हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए बहुत ही खूबसूरत ये देखिए थाल कवर की डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। इसको मैंने ब्लू और येलो कलर में बनाया हुआ है। ये देखिए, आप दो रंग कोई सा भी ले सकते हैं। इसकी पूरी लुक ऐसे आ रही है फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी है, बहुत जल्दी आप इसे एक दिन में बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे 7 फ्लावर बना लिए हैं। देखिए, 7 फ्लावर बनाने के बाद आपने इसको ऐसे सर्कल की तरह रख लेना है। फिर फ्रेंड्स, हमने क्या करना है, एक सुई लेना है, सेम कलर का आपने ऊन लेना है। उसके बाद हम इसको टक करेंगे ऊन की सहायता से। तो एक यहाँ पे हमने देखिए ऐसे को जोड़ा है, बाकी मैं आप लोग को जोड़ के बताऊँगी। फिर उसके बाद इसके बाद का प्रोसेस मैं दिखाऊंगी कि कैसे बनाना है। तो बहुत ही खूबसूरत, आप चाहें तो इसे मेज कवर के लिए चौकोर में भी ऐसे फ्लावर जोड़ के बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम जोड़ना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको जोड़ने के लिए हमने सुई में येलो कलर का ऊन डाल लिया है। अब आपने इसको जोड़ना शुरू करना है। यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे। देखिए, एक सेंटर में हमने रखा है, बाकी के 6 फ्लावर हमने इसके साइड साइड में लगाए। तो इसको हम देखिए जोड़ेंगे। आपने ऐसे रखना है फ्रेंड्स, ताकि एक दूसरे से इसकी पंखुड़ी जुड़ी रहे। ये देखिए, यहाँ पे इससे ये दोनों से हम जोड़ेंगे और इससे ये। तो पहले इसको हम ऐसे उल्टा करते हैं धीरे धीरे। पहले आपने फ्रेंड्स इसको लगा लेना है, यानी अपने हिसाब से इसको, जैसे हमने यहाँ पर एक सेंटर में रखा है और 6 फ्लावर हमने इसके चारों तरफ रखा है, तो ऐसे ही आपने लगा के फिर जोड़ना है। तो नॉर्मली आपने जोड़ना है, देखिए जो लास्ट वाले हमने चैन वाले बन, जैसे ये डिजाइन बनती हुई आई है, उसी में हमने इसको जोड़ते हुए जाना है। बस 3 से 4 चैन में हमने जोड़ना है, ज़्यादा नहीं जोड़ना है, नहीं तो ये यहाँ पे मुड़ जाएगा। ये देखिए, आप ऐसे करके देख लेंगे। यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि हमने यहाँ पे जोड़ा है। फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आएगी, तो आप लोग ज़रूर इसको ऐसे ट्राई करें। देखिए बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। तो हमने एक यहाँ पे जोड़ लिया, आप धागे को कट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सारे जोड़ लिए हैं और देख लीजिए आपने मैंने इसको कैसे जोड़ा है। बहुत ही प्यारा लग रहा है, बिल्कुल आपको कहीं से क्रोसिया से जोड़ने की ज़रूरत नहीं, बस ऐसे मैंने फ्लावर बना के सुई से जोड़ा है। तो एक मिनट आप लोग देख लीजिए, हमने सबसे पहले अपने एक सेंटर में फ्लावर रखना है, उसके बगल बगल में सारे फ्लावर लगाने हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे कैसे कैसे जोड़ा, इसमें जोड़ा, इसमें जोड़ा, फिर ये देखिए बिल्कुल भी कहीं से देखिए ये खुलने लायक ना हो, ऐसे आपने जोड़ना है। अब देखिए, आप चाहें तो फ्रेंड्स इसके पास यहाँ पे लटकन वाली झालर लगा के कंप्लीट कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे लटकन वाली झालर लगा के, अगर आप इतना बड़ा ही रखना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं इसमें झालर बनाना, तो झालर भी बना सकते हैं। झालर बनाने के लिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे ब्लू कलर के ऊन का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए झालर बनाना हम शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे क्रोसिया से ये चैन बना के, देखिए यहाँ पे हमने 4-4 चैन लेके और 4-4 ये चैन छोड़ के, फिर हमने यहाँ पर देखिए ये 3 टाइम बनाया हुआ है। बहुत ईजी तरीके से ये बना हुआ है, सिंपल सा आपने चैन लेके बनाना था। तो ये देखिए हमने ऐसे पूरी ये कंप्लीट की है। अब आप अगर चाहें तो यहाँ पे झालर भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स, और या तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, यहाँ पे मैंने ये ब्लू कलर से बना दिया है, जो कि बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है। तो ये पूरा बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत आया। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर पोमपोम लगाना, तो येलो कलर से आप ये चीज़ भी लगा सकते हैं, या तो आप झालर बना सकते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत बन के आई है फ्रेंड्स ये पूरा, ये देखिए। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए बहुत ही खूबसूरत ये देखिए थाल कवर की डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। इसको मैंने ब्लू और येलो कलर में बनाया हुआ है। ये देखिए, आप दो रंग कोई सा भी ले सकते हैं। इसकी पूरी लुक ऐसे आ रही है फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी है, बहुत जल्दी आप इसे एक दिन में बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं।